अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सदफ़ यासर। बात करूंगी कराची में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। जैसे कि आपके इल्म में भी होगा कि कराची में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और इस बार जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, हाफिज़ नईमुर रहमान, जो कि ऑलरेडी कराची के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं। और ऊपर उम्मीद है कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो आने वाले टाइम में कराची को मज़ीद बेहतर करेंगे, क्योंकि कराची के जो भी हालात हैं वहाँ पर शहरी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किन मुश्किलात का सामना है, उसे कोई भी जो है वो बेखबर नहीं है। सबके इल्म में है कि शहरी वहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं, ख़ासतौर पर इन दिनों में जो सूरत हाल चल रही है बारिश की वजह से भी। तो अगर चाहते हैं आपके जो कराची है उसके हालात बेहतर हों, तो हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट ज़रूर दें। जमात इस्लामी को एक बार मौका जो है वो ज़रूर देना चाहिए। उम्मीद है कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान है वो आने वाले टाइम में कराची को बेहतर बनाएंगे। शुक्रिया। Myself हिना खान अब्दाली, आई एम अ न्यूज़ एंकर, और आज जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ इसलिए है कि हम सब कराची की सूरत हाल को जो है बहुत क्लोजली जानते हैं। हम अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपने नाज़रीन को बताते हैं कि कराची की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। हमने देखा एम क्यू एम के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में जो है कोई ख़ास हमने नहीं देखी, इम्प्रूवमेंट नहीं देखी। कराची में साफ पानी अभी तक नहीं है, टैंकर माफिया का राज है, तजावुजात की भरमार है। इसके साथ साथ हम देखते हैं सिवरेज का नकारा निज़ाम है, या तो नकारा निज़ाम है या सिवरेज का निज़ाम है ही नहीं। और आज जो हम देख रहे हैं सूरत हाल कराची में, हालिया बारिशों से जो तबाहकारियाँ हुई हैं, नदी नालों की क्या सूरत हाल है, ये सब हमने आपको रिपोर्ट किया है। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कराची के शहरियों को इन मुश्किलात का जो है इनका हल चाहिए, इनका काम चाहिए। ऐसे में ये काम सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो इंटरनली इन सारी सिचुएशंस को जानता हो। मैं समझती हूँ कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब इन सब मसलों को बहुत बहुत डीपली जो है वो जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से सिवरेज का निज़ाम, साफ पानी का निज़ाम और ये जो तजावजात की भरमार है, इन सब को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, इन सब को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक मौका ज़रूर देना चाहिए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को, एक बार एक मौका दे के देखिए, क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत मुतहरिक हैं, बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, हमने देखा है, वो चाहते हैं कि कराची के जितने भी मसाइल हैं उनको वो हल कराने की कोशिश के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो प्लीज़ डू सपोर्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ फ़िज़ा रियाज़। ये मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि कराची में इंतखाबात होने जा रही है और कराची जो कि पाकिस्तान का सनती हब है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची में जनरेट होता है, लेकिन वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं, इस पर प्रोग्राम्स करते हैं, तो हमें दिल दुख होता है। पीपल्स पार्टी कई दहाइयों से वहाँ पर हुकूमत करी है, एमक्यूएम को आप आजमा चुके हैं, अब जमात इस्लामी को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो हाफिज़ नईमुर रहमान बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जमात इस्लामी को भी एक बार मौका दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात को बदला जा सके, टैंकर माफिया से आपकी निजात हो सके, इसके अलावा पीने के लिए आपको पानी जो है वो खरीद के पीना पड़ता है, बिजली के इंतजाम वहां पर कैसे हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहां पर कैसी है, ये तमाम मसले मसाइल हैं जो कि आप जानते हैं, जो कि आप डेली फेस करते हैं, तो एक बार जमात इस्लामी को भी जरूर चांस मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। कराची में इंतखाबात होने जा रहे हैं, जैसा कि हम सबको मालूम है, और हम हमेशा से देखते हैं या तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स पार्टी को ही आजमाया गया है, चांस दिया गया है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कराची में, फिर एमक्यूएम को भी आजमाया गया बहुत बार, लेकिन हमने देखा कि कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ इस पर कराची में हैं, बहुत सा रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान के लिए कराची से जनरेट होता है, लेकिन हम यहाँ की जब सूरत हाल देखें तो वो इंतहाई अबतर है, और लिटरली बहुत अफसोस होता है कि इतना बड़ा शहर और इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पर निकासी आपके बहुत से मसाइल हैं, टैंकर माफिया सरगरम है, और पीपल्स पार्टी को बहुत से मौके दिए जा चुके हैं, एमक्यूएम को भी
आजमाया जा चुका है। सो अब की बार क्यों ना ये मौका जो है वो जमात इस्लामी को दिया जाए और जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत से लोग उनकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतमईन भी हैं। सो इंतखाबात में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट दें, जमात इस्लामी को इस दफ़ा ज़रूर आजमाएँ और देखें कि क्या तब्दीली कराची में जमात इस्लामी लेकर आती है। मैं ज़रदाना शाह, यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन विंग की मरकज़ी सदर, मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से इंसानी खिदमत करती हूँ 2014 से। तो जो सोशल मीडिया पे मेरी एक वीडियो वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है, यानी कि टिकटॉक के हवाले से, वो मेरे एक माजी का हिस्सा था। ठीक है, ये मैं ये सब चीज़ें छोड़ चुकी हूँ और ये सब जानते हैं, मैं जब से जमात इस्लामी से जुड़ी हूँ और मैं ये टिकटॉक और ये सब चीज़ें उठ पड़ांग चीज़ें छोड़ चुकी हैं माजरत के साथ। तो अब ये वीडियो चलाने का क्या मकसद है? और जमात इस्लामी एक अच्छी जमात है, अच्छा काम कर रही है और हाफिज़ नईमुर रहमान की मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम देखे, उनकी पाकिस्तान के लिए काविशें देख के मैं उनकी दिल से फ़ैन हुई। और यकीन करें कराची में जो उनकी काविशें हैं, बहुत मेहनत है उनकी, तो मैं खुद चल करके गई कि मैं जमाते, क्योंकि मैं सादात फैमिली से हूँ, रिजवी सैयद हूँ ये देख रहे हैं, और मैं अज़दार हुसैन हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर मैंने ये देखी है कि ये तफक्करबाजी की बात नहीं करते, फिरकाना बात कोई नहीं करते, सबको एक साथ लेके चलते हैं। जितनी इज्जत जमात इस्लामी ने मुझे दी, एक सैयद की बेटी को, एक शिया कम्यूनिटी की खातून को, तो मैं समझूंगी कि जो हमारे जहन में उल्टी सीधी लोगों ने बातें डाली हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। और जमात इस्लामी एक अच्छी जमात है माशाल्लाह से, और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे जो बड़े हैं, जो हाँ हमारे जो बड़े हैं, बड़ा तो अल्लाह का नाम, जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, तो कुछ अच्छा फ़ैसला करेंगे तो हम उनके फ़ैसले पे लब्बैक कहेंगे इंशाल्लाह। और मेरी जब तक ज़िंदगी है मैं जमात इस्लामी के साथ हूँ, और चूँकि इनके काम भी वही हैं जो हमारे काम है इदारों के हवाले से, बच्चियों की शादियाँ कराना, और सबसे पहले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान। जो भी कोई गलत होता है कराची में, सबसे पहले मैंने देखा आवाज़ ही उठाते हैं। किसी और, मैं किसी पार्टी को ना बुरा बोलती हूँ ना अच्छा बोलती हूँ, जो अपनी आंखों से देख रही हूँ वो ज़रूर कहूँगी। ठीक है, मैं जरदाना शाह और जमात इस्लामी की उम्मीदवार जनरल कौंसल शाह फैसल यूसीफोर से दुआओं में याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अब टिकटॉक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी माजी की कोई वीडियो उठाकर जमात इस्लामी को ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करें, जमात इस्लामी को कमज़ोर बनाने की कोशिश मत करें। जमात इस्लामी मजबूत जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत ही रहेगी। मेरी ज़ात से जमात इस्लामी को शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में आपके लिए गुजारिश है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।